हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज रुमाल का डिज़ाइन दिखा रही हूँ जो मैंने खींच लिया है, मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊंगी। इसको मैंने पहले से ही खींच लिया था, मैं इसको फिर से आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने खींचा है इसको। तो जैसे क्या दिख रहा है, मैंने इसके फ्रेम में सेट कर लिया है, अब इसको पेंट करके दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसको बनाने के लिए दो नंबर ब्रश का यूज़ करूँगी और कलर मुझे रेड कलर लेना है, ऑरेंज कलर लेना है और ब्लैक कलर लेना है। इन तीनों कलर से हमें फ्लावर को कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे ऊपर का हिस्सा बनाना है रेड कलर से, जो आप देख रहे हैं। मुझे रेड कलर से अच्छे से इसको फिल कर लेना है बीच वाले हिस्से को। तो देखिए मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं साइड से भी रेड कलर फिल कर लूँगी, ऊपर से थोड़ा सा जगह छोड़ते हुए जहाँ मुझे ऑरेंज कलर का शेड देना है। तो आपको मेरे बताने का तरीका कौन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो अब मैं इसको अच्छे से रेड कलर से फिल कर लूँगी। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने लिया अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर मुझे यहाँ ब्लैक कलर का लाइनिंग करना है। मैंने यहाँ पर लाइनिंग करके और इसको मिक्स कर रही हूँ मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी हल्का हल्का। जहाँ जहाँ भी ब्लैक कलर लगाया है मैं उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको अच्छे से मिक्स करने बहुत सावधानी से, पेंट फैलना नहीं चाहिए। हल्का हल्का साइड से ब्लैक कलर को रेड कलर में मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर पेंट बिगड़ गया था, मैं इसको बनाई हूँ फिर रेड कलर लगा। तो अब मैं साइड में जो रेड कलर भरी थी मैं वहाँ भी ब्लैक कलर का लाइनिंग कर रही हूँ और वहाँ भी मैं नीचे से ब्लैक कलर का शेड दूँगी। ऊपर की तरफ मैं शेड दे रही हूँ ब्लैक कलर से। अच्छे से मिक्स करना है सावधानी से, इधर उधर मेरा जो पेंट है जो बाहर नहीं निकलना चाहिए, अंदर की तरफ ही मिक्स करना है। मैं यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। मैं ऑरेंज कलर कर लूँगी और ऊपर से शेड दूँगी नीचे की तरफ। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं ऊपर से ऑरेंज कलर का शेड दे रही हूँ जैसे ऊपर लाइट दिखे। अब मेरा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको नीचे का पार्ट बनाकर दिखा रही हूँ। ग्रीन, डीप ग्रीन से नीचे का पार्ट बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और बताने का तरीका पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में बेल आइकन होगा उसे ज़रूर दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।